इस वीडियो में हम जोमेटो स्टॉक्स का एनालिसिस देखेंगे। जैसा कि हमारे एक व्यूवर्स ने कमेंट किया कि जोमेटो के स्टॉक्स के बारे में बताइए, और अगर आप भी किसी स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस जानना चाहते हैं कि कहां पे आपको बाय करना चाहिए, कहां पर सेल करना चाहिए स्टॉक्स को, कौन सा बेस्ट लेवल होगा बाय सेल के लिए, तो कमेंट बॉक्स में आप उस स्टॉक्स का नाम बता सकते हैं। साथ ही साथ बता दें, अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी का फ्री ट्रेनिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप फ्री निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल होंगे। अगर जोमेटो के चार्ट को देखें तो यहाँ पर यह वीकली चार्ट है और यहाँ पर स्टॉक्स कंप्लीटली डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हमें हायर हाई, देखिए यहाँ पर जो हाई बना, यहाँ से जब स्टॉक क्रैश हुआ तो ये जो हाई बना, मतलब ये थोड़ा सा बस एक कंसोलिडेशन था, कोई हाई तो नहीं बनाया क्योंकि यहाँ कोई भी पुल बैक आया ही नहीं। यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक आया जो कि इस हाई से नीचे है, तो लोअर हाई बन रहा है, लो पर लो बन रहा है, बस यहीं पे अभी जो ये नया लो क्रिएट नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे भी देख सकते हैं काफी बेहतरीन एक बहुत ही सुंदर रेड कैंडल बना है जो कि बता रहा है कि स्टॉक काफी ज्यादा वीक है, तो यहाँ पर गिरावट और ज्यादा हो सकती है। अब बात करते हैं सपोर्ट जोन का, तो यहाँ पर जो सपोर्ट है इस स्टॉक्स का, ये रीजन इसका सपोर्ट है, तो ये रीजन इसका सपोर्ट हो गया। वहीं पर बात करें जो ट्रेंड लाइन है, तो ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं, तो ये ट्रेंड लाइन है स्टॉक्स का, तो इस रीजन में ये स्टॉक्स अभी ट्रेड कर रहा है। जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो फिर यहाँ बुलिश हो जाएगा, और ये इसका सपोर्ट जोन है, इसको ब्रेक करता है तो ये और ज्यादा बेयरिश हो जाएगा। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी करता है तो हम बुलिश ट्रेड तब लेंगे जब ये इसको ब्रेक करे, फिर से इसको रिटेस्ट करे, फिर ऊपर जाए। जैसे इसे यहाँ पर आया, इसको ब्रेक किया, फिर से इसको रिटेस्ट करे, रिटेस्ट करने के बाद जैसे ये ऊपर निकलेगा, ऊपर निकलने के बाद जैसे इस नेक लाइन को ब्रेक करते हुए ऊपर जाएगा तो फिर हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। तो ये देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा, ये किस प्रकार से ऊपर निकलता है और साथ साथ इस रीजन को क्रॉस करता है, तो ये रीजन क्रॉस करना काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये रीजन जो है वो इसको ऊपर क्रॉस करे तो ज्यादा बेटर होगा, और यहाँ पर एक बेहतरीन बुलिश कैंडल बने, बुलिश इनगल्फिंग बने तो ज्यादा बेटर है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। अब चलिए हम डेली चार्ट पे चलते हैं। अब देखिए डेली चार्ट पे भी चार्ट सेम दिख रहा है कि ये इस ट्रेड लाइन को क्रॉस करना चाहिए, ये सपोर्ट को ब्रेक करना चाहिए, मतलब ये ब्रेक डाउन करे इस सपोर्ट रीजन को, तब जाकर के यहाँ पर हमें नीचे का मोमेंटम देखने मिलेगा, मतलब नीचे का ट्रेड हमें मिलेगा। और वहीं अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, फिर से रिटेस्ट करता है, साथ साथ इस रेसिस्टेंस लेवल को भी क्रॉस करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक काफी ज्यादा यहाँ पर बेरिश है, काफी लंबे डाउन ट्रेंड में स्टॉक्स है, तो बेरिश तभी होगा जब ये नियरेस्ट यहाँ पर जो सपोर्ट रेसिस्टेंस जोन है उसको भी क्रॉस करे। तो यहाँ पर वीकली चार्ट और डेली चार्ट पर हमें जो है सेम पैटर्न दिख रहा है कि सेम पैटर्न को ब्रेक करता है तो ये बुलिश और बेरिश होगा। सिर्फ हमें यहाँ पर जो टाइम है वो कम टाइम का चार्ट दिख रहा है डेली चार्ट पर, और वीकली चार्ट पर ज्यादा समय का चार्ट दिखता है। अब हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। अब देखिए 15 मिनट के चार्ट पर यहाँ पर तो हम इसको ब्रेक हटा देते हैं, क्योंकि 15 मिनट चार्ट मतलब इंट्राडे की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये रीजन ब्रेक डाउन हो, मतलब 50 रुपीज के नीचे स्टॉक जाए 49 रुपीज के, तो हम यहाँ पर जाकर सेल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें बाइंग का, तो यहाँ पर जो स्टॉक है ये देखिए ये स्विंग जो है ये नीचे की ओर है, तो अभी कोई भी बाइंग का ट्रेड यहाँ पर नहीं बनता है, तो बाय करने के लिए हमें सोचना भी नहीं है। तो ये स्टॉक हर टाइम फ्रेम पर 15 मिनट, वन डे, वन वीक, सभी टाइम फ्रेम पर ये स्टॉक सेल है, तो बस हमें चाहिए क्या, ये ब्रेक डाउन करे इस रीजन को, 50 रुपीज के नीचे निकले और 49 रुपीज को ब्रेक करे तो काफी बेहतर है, तो स्टॉक और ज्यादा वीक हो जाएगा तो हम इसे सेल कर सकते हैं। तो इस स्टॉक को इंट्राडे में बाय कब करेंगे, देखिए कहीं पे भी ये कोई साइडवेज रेंज बनाए, उस रेंज को ऊपर की ओर ब्रेक करे, तो आप इंट्राडे में अगर उसमें स्ट्रेंथ दिखता है उस मोमेंटम में, तो आप इंट्राडे के लिए उसको प्ले कर सकते हैं, अदरवाइज इंट्राडे में भी आपको इसे बाय करने के लिए अवॉइड करना चाहिए। तो ये कंप्लीट स्टॉक्स रिव्यू था जोमेटो का। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसी तरह के बेहतरीन एजुकेशन इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।